नमस्कार। एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड में हमने पिछले टर्म में बात करी थी फैमिली मिर्टेसी, मिर्टेसी के वेजिटेटिव करेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी, एफिनिटी और लेबोरेटरी एक्सरसाइज प्रैक्टिकल वर्क भी आपको दिया गया था, जिसमें दो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला आपको बनाने थे। आज हम बात कर रहे हैं फैमिली रूबिएसी की, जो एक महत्वपूर्ण फैमिली है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कई वंश शामिल हैं, जैसे कॉफी अरेबिका, मुसेंडा, ओल्डन लेंडिया, इग्जोरा, हेमेलिया, एंथोसिफेलस और भी कई अन्य वंश है जिनकी ये फैमिली है, और इनका एक बड़ा आर्थिक महत्व भी उपलब्ध है। आज हम बात करेंगे इस फैमिली के वेजिटेटिव करेक्टर्स की और इसके रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स की। सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्गीकृत स्थिति, इस फैमिली की वर्गीकृत स्थिति। तीनों ऑथर्स, तीनों जो ऑथर्स हैं, बेंथम एंड हुकर, एंगलर और प्रंटल और हचिनसन के अनुसार इस फैमिली की वर्गीकृत स्थिति क्या है वो हम सबसे पहले देख रहे हैं। हमको दिखाई दे रही सबसे पहले लेफ्ट में सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण बेंथम एंड हुकर के अनुसार रूबिएसी फैमिली की वर्गीकृत स्थिति। इसकी वर्गीकृत स्थिति में हम देखते हैं गेमोपेटली, सीरीज इन्फेरी, उसमें ऑर्डर रूबियल्स, फैमिली रूबिएसी। एंगलर और प्रंटल के अनुसार इसको सिंपेटली, जैसे हम कहेंगे मेटाक्लेमाइडी, उसके बाद रूबियल्स, देन रूबिएसी फैमिली में रखा गया। हचिनसन के अनुसार लिग्नोसी, रूबियल्स और रूबिएसी, ये तीनों ऑथर्स के अनुसार हम देखते हैं रूबिएसी की वर्गीकृत स्थिति। अब हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स की, इसके काइट लक्षणों की, इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव करेक्टर्स, जिसमें प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स की हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं इसके प्लांट हैबिट्स। दे आर मोस्टली ट्रीज और शब्स, सम मेंबर्स शब्स में और रेयरली क्लाइंबर्स में। मोस्टली जो शब्स हैं जैसे गार्डिनिया, एक्जोरा, मुसेंडा, हेमेलिया। हम इस फैमिली में आने वाले ट्रीज की बात करें तो इसमें बोरिंडा, एडिना, सिनकोना, ये से वृक्ष होंगे। और अगर हम फ्यू हर्ब्स की बात करें जैसे गेलियम, रूबिया, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। कुछ इसमें ट्विनर्स हैं जैसे मेनिडिया, ये इसकी प्लांट हैबिट है। तो हमने देखा प्लांट हैबिट जो है इसकी वेरिएबल है, जिसमें कि ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स और क्लाइंबर्स भी है, लेकिन मोस्टली दे आर ट्रीज और शर्ब्स। उसके बाद रूट, मच ब्रांच्ड एंड टेप रूट। स्टेम, इस प्रकार का स्टेम है, वुडी, ब्रांच्ड एंड समटाइम्स क्लाइंबिंग स्टेम होगा। इरेक्ट है, हर्बेसियस और वुडी और ट्विनिंग जैसे मेनिटिया में, क्लाइंबिंग बाय हुक्स भी हो सकता है कुछ में, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल और एंगुलर, हेरी और स्मूथ। उसके बाद हम बात करते हैं लीव्स की, जो इंपॉर्टेंट है, पत्तियां सिंपल, सरल पत्तियां हैं, अनुपर्णी, स्टिपुलेट है, अपोजिट डेकोसेट भी है कुछ में ये। और जो महत्वपूर्ण हम बात देख रहे हैं वो है स्टिप्यूल्स, इसके जो अनुपर्ण है वो किस प्रकार के अनुपर्ण है। इसके जो अनुपर्ण है वो मोस्टली इंटरपिट्यूलर है, इंटरपिट्यूलर मतलब अंतरावर्तक, और कभी कभी ये इंट्रापिट्यूलर भी है। मोस्टली दे आर इंटरपिट्यूलर बट समटाइम्स इंट्रापिट्यूलर। इंटरपिट्यूलर क्या होता है, इंटरपिट्यूलर का मतलब है स्टिप्यूल्स स्टैंड बिटवीन द पिट्यूल्स, और कभी कभी ये इंट्रापिट्यूलर होंगे, इसका मतलब है स्टिप्यूल्स स्टैंड्स बिटवीन द पिट्यूल एंड द एक्सिस, वो हमें याद रखना है। स्टिप्यूल्स में भी ब्रिस्टल लाइक और लीफी इन सम मेंबर्स। कैसे हैं स्टिप्यूल्स, ब्रिस्टल लाइक हैं जैसे पेंटास में और लीफी हैं गेलियम में, रूबिया में। और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, एक सिरीय जाली गावत शिरा विन्यास यहां पर देखने को मिलेगा। पेंटास में जो अनुपर्ण है वो कैसे हैं, ब्रिस्टल लाइक संरचनाओं में विभाजित हो गया, और लीफ लाइक जो हमने बात करी जैसे कि
गैलियम में, गार्डिनिया में, इस प्रकार के होंगे। तो जो लीव्स है वो इंपॉर्टेंट है इसकी वेस्टेटिव कैरेक्टर्स के अंदर। ये हमने बात करी इसके वेस्टेटिव कैरेक्टर्स की, जिसमें हमने प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स को कंसीडर किया। इसके बाद हम देखते हैं फ्लावर कैरेक्टर्स की। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले पुष्पक्रम, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार, यूजली साइमोस प्रकार का होगा, और साइमोस में मोस्टली डाइक्रिजल साइम, समटाइम्स सोलिटरी साइम, एक्सिलरी साइम, टर्मिनल साइम एंड ग्लोबोस हेड, इन प्रकार के हो सकते हैं। गार्डिनिया और रेंडिया, इनके अंदर सोलिटरी टर्मिनल पुष्पक्रम है। मुसेंडा और पेंटाज में डाइकेजियल साइमोस साइम है, जो आगे बढ़ के मोनोकेजियल साइम में परिवर्तन हो जाएगा। और अन्य में जैसे बात करें, एक्सिलरी साइम कोफिया अरेबिका में है, पेनिकल साइम ओल्डन लेंडिया में है। और जो हम यहां देख रहे हैं ग्लोबोस हेड अर्थात गोल मुंडक, वो एंथोसिफेलस इंडिकस और एडीना कोर्डिफोलिया में दिखाई देगा। तो ये जो इन्फ्लोरोसेंस है वो वेरिएबल है, हमको ध्यान रखना है इन्फ्लोरोसेंस के अंदर कि सोलिटरी यूजली साइमोस और ग्लोबोस हेड, और पेनिकल्ड साइम मे बी एक्सिलरी जैसे कोफिया अरेबिका में, और टर्मिनल साइम मिसेंडा ग्लेब्रम। इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस की बात करते हैं फ्लावर की, पुष्प की। पुष्प हो सकते हैं चतुर्थई या पंचतई, पेंटा और टेट्रामेरस, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमोर्फिक, यूज दी एपिगाइनस, पेडिसलेट और सेसाइल, सवरंथ है या अवरंथ है, और वेरियस कलर्ड होंगे जिसकी वजह से फैमिली जानी जाती है, कई तरह के कलर्ड होंगे इनके अंदर। तो पुष्प जो है यहां हम देख रहे हैं पंचतई या चतुर्थई, पेंटामेरस और टेट्रामेरस, द्विलिंगी है, कभी कभी एकलिंगी हो सकते हैं जैसे कॉर्पोस्पर्म में, पर हमें याद नहीं रखना। मेन है यूजली बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक है फैमिली, लेकिन कभी कभी जाइगोमॉर्फिक है, जैसे कि अगर आप याद रखना चाहें तो हेनरिक विजिया में, बाकी यूजली एक्टिनोमॉर्फिक है। हमने बात करी यूजली एपिगाइनस है अर्थात ये जायंगोपरिक है, परंतु कुछ में ये हाइपोगाइनस भी होगा और कुछ के अंदर ये एपेरिगाइनस भी होगा। तो जब ये हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी सुपीरियर होगी, और जब एपेरिगाइनस होगा तो ओवरी सेमी इन्फीरियर होगी। लेकिन जब हम फैमिली को ये बता रहे हैं यूजली एपिगाइनस है, जायंगोपरिक है, तो ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर ओवरी वहां पर। तो ये बात करी हमने इसके फ्लावर्स की। उसके बाद सेपल्स, सेपल्स नंबर ऑफ सेपल्स 4 और 5, फ्री और यूनाइटेड, और मुसेंडा में जो स्पेशल कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं। बाहेदल 5 या 4 होंगे, पॉलीसेपल्स या संयुक्त बाहेदल ही हो सकते हैं। मुसेंडा में एक बाहेदल काफी बड़ा और रंगीन होगा, जिसकी वजह से हम ऑर्नामेंटल इसको प्लांट को उगाते हैं, लगाते हैं। वन सेपल्स मॉडिफाइड इनटू कलर्ड ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मुसेंडा। मुसेंडा के अंदर कैलेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी वजह से ही ऑर्नामेंटल लगाया जाएगा। उसके बाद दलपुंजी कोरोला, नंबर ऑफ पेटल्स 4 और 5, गेमो पेटल्स, लोब्स में भी वोल्वेट, इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड, और शेप में भी फनल शेप्ड, ट्यूबुलर, बाइलीवेट, जैसे इक्सोरा में ट्यूबुलर होगा, कहीं में ये फनल शेप्ड होगा। तो जो इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, दलपुंज कीपाकार जैसे मुसेंडा में, और बाइलोबेट भी किसी में हो सकते हैं। तो ये दलपुंज की जो शेप है, द शेप ऑफ कोरोला, वो वेरी यहाँ पर कर सकती है। अब फ्लोरल करेक्टर्स में आ गए, रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले एंड्रोशियम पुमंग, नंबर ऑफ स्टेमेंस 4 और 5, पुंके स्वरों की संख्या 4 और 5 होगी। स्टेमेंस आर एज मैनी एज द नंबर ऑफ कोरोला लोब्स, इसलिए जब हमने नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स को 4 या 5 लिखा है तो स्टेमेंस भी उतने ही होंगे। एपीपेटलस अर्थात लग्न पुंके स्वर होंगे, अल्टरनी पेटलस दे अल्टरनेट विद देम। स्टेमेंस डाइथिकस है अर्थात द्विकोष्ठी, अंतर्मुखी, इंट्रोर्स, इंसर्टेड नियर द माउथ ऑफ द कोरोला ट्यूब, जैसे एक्सोरा में हम देखेंगे तो ये माउथ ऑफ द कोरोला ट्यूब के वहां पर लगे होंगे। तो पुंके जो संख्या हमने देखी है, उसके बाद पराकोष, द्विकोष्ठी, आधार लग्न, अंतर्मुखी और लंबवत रेखा छिद्रों द्वारा इनके अंदर स्फोटक होगा। इसके बाद देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम की, जायांग की। नंबर ऑफ कार्पस यूजली 2, रेयरली पॉलीकार्पली हो सकते हैं। सिनकार्पस है युक्तांडपी, जब हमने ये लिखा है कि यूजली जो फ्लावर है वो एपिगाइनस है, तो अंडाशय ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर अधोवर्ती, और अगर फ्लावर पेरिगाइनस था
तो सेमी इन्फीरियर, और हाइपोगाइनस फ्लावर है तो सुपीरियर ओवरी। लेकिन हमने बात करी कि यूजली जो कंडीशन होगी वो फ्लोर एपिगाइनस है, इसलिए अंडाशय होगा कैसा होगा, इन्फीरियर अधोवर्ती, और यूजली एक्साइल प्रेजेंटेशन अक्षीय बीजांडन्यास होगा। लेकिन इन गार्डिनिया द ओवरी इज यूनिलोकल विद पेराइटल प्रेजेंटेशन, गार्डिनिया के अंदर जो है भित्तीय बीजांडन्यास वहां पर हमें देखने को मिलेगा। और समटाइम्स द प्लेसेंटा इज टी शेप्ड इन मुसेंडा, इसमें टी शेप्ड प्लेसेंटा नजर आएगा। ये हमें बात करी एंड्रोशियम की गाइनोशियम। अब बात करते हैं इनके फल के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट में भी कैप्सूल और बेरी, कैप्सूल या बेरी प्रकार का फल होगा, ज्यादातर ये बेरी प्रकार का होगा। कैप्सूल जैसे कि सिंकोना में, और बेरी प्रकार जैसे गार्डिनिया में, मुसेंडा में, इनमें बेरी प्रकार, हेमेलिया में, इनमें बेरी प्रकार का फल पाया जाएगा। सीड जो है एंडोस्पर्मिक है, समटाइम्स दे विंग्ड भ्रूणपोषी बीज होंगे। पोलिनेशन कीट परागण द्वारा भी होगा, एंटोमोलस एंट पोलिनेशन भी होगा, और वायु परागण विंड पोलिनेशन द्वारा भी ये पोलिनेशन हो सकता है। तो यहां हमने फ्लोरल करेक्टर्स में सबसे पहले कंप्लीट किया, इसमें इनफ्लोरोसेंस, कैलेक्स, कोरोला, फिर एंड्रोशियम, गाइनोशियम की भी बात करी, उसके बाद इसके फलों के प्रकार और बीज और पोलिनेशन की बात की। ये हमने आज इनके करेक्टर्स को डिस्कस किया, विजिटेटिव करेक्टर्स को और रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स को, फ्लोरल करेक्टर्स को। अब हम देखते हैं इसके विभेदात्मक लक्षण, डिस्टिंग्विश करेक्टर्स ऑफ फैमिली रूबिएसी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है, बहुत सारे महत्वपूर्ण वंश इसमें समाहित हैं, जैसे एंथोसिफेलस, म्यूसेंडा, हेमेलिया, इस प्रकार के इसमें आएंगे प्लांट्स जिनकी हम अभी अगले चैप्टर के अंदर बात भी करेंगे। विभेदात्मक लक्षण में सबसे पहले देखते हैं प्लांट हैबिट की, मोस्टली दैट ट्रीज और श्रब्स, हमने बात की या तो ये जो है वृक्ष हैं या ये शुभ प्रकार के होंगे, और कभी कभी जो है ये क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रीज और श्रब्स प्रकार के होंगे। उसके बाद देखते हैं लीव्स किस प्रकार की है, तो सिंपल लीव्स हैं, सिंपल स्टिपुलेट, स्टिपुलेट इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं कि दे में भी इंटरपिट्यूलर और इंट्रापिट्यूलर, यूजली इंटरपिट्यूलर है, कभी कभी इंट्रापिट्यूलर भी होगा, और इसका मतलब भी हमने जाना था कि इसका मतलब क्या है। इंटरपिट्यूलर मीन्स स्टिप्यूल्स स्टैंड बिटवीन द पिट्यूल्स, और इंट्रापिट्यूलर मीन्स स्टिप्यूल्स स्टैंड बिटवीन द पिट्यूल एंड द एक्सिस। पुष्पक्रम यूजली साइमोस है, साइमोस में कौन से प्रकार का हो सकता है, और इसके अलावा जो अन्य प्रकार है उनके भी हम बात कर चुके हैं, यूजली साइमोस प्रकार। फ्लावर में भी टेट्रा और पेंटामेरस, चतुर्थी या पंचतई, नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स जो इनकी संख्या चार या पांच होगी, और जो हम बात करी थी यूजली एपिगाइनस ऊपरी जाएंगी, इसका मतलब ओवरी इन्फीरियर होगी। कैलेक्स नंबर की बात तो पहले होगी, फोर और फाइव होंगे, लेकिन समटाइम्स वन सेपल्स बिकम एनलार्ज एंड कलर्ड इन द केस ऑफ मुसेंडा, मुसेंडा को इसलिए पढ़ा जाता है और प्रश्न पूछा जाता है। दलपुंज कोरोला शेप इन वेरियस फॉर्म्स, मोस्टली फनल शेप्ड, फनल शेप्ड जैसे मुसेंडा में, ट्यूबुलर होगा जैसे कि इग्जोरा के अंदर, कई कलर के कोरोला होंगे इनमें। स्टेमेंस की जो बात करिए, जो पुंकेसरों की संख्या है, स्टेमेंस आर एज मेनी एज द नंबर ऑफ कोरोला लोब्स, जितने कोरोला के लोब हैं उतनी ही संख्या होगी, तो ये कितने होंगे, चार या पांच। एपिपेटलस द लग्न पुंकेसर। कार्पल्स की बात करिए, यूजली बाइकार्पलरी हैं, कभी कभी ये मल्टीकार्पलरी भी हैं, बहुअंडीपी भी हैं, और ओवरी यूजली इन्फीरियर अधोवर्ती अंडाशय, क्योंकि फ्लोर एपिगाइनस था। लोकुल्स कितने हैं, टू और मल्टीलोकुलर। यूजली एक्साइल प्रेजेंटेशन, अधिकतर फैमिली के जो केस हैं उनके अंदर उदाहरण है उसमें अक्षीय बीजांडन्यास होगा, लेकिन कभी कभी पेराइटल प्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे हमने बात की इन गार्डिनिया ओवरी इज यूनिलोकुलर विद पेराइटल प्रेजेंटेशन, और कभी ये टी शेप्ड भी प्लेसेंटा होगा जैसे मुसेंडा के अंदर। और फ्रूट के जो प्रकार देखें, बेरी प्रकार ज्यादा है, कैप्सूल प्रकार कम है, फ्रूट में भी बेरी और कैप्सूल, तो फ्रूट का जो प्रकार है वो बेरी प्रकार का होगा, ये कैप्सूल प्रकार का होगा। तो ये हमने
बात करी इनके इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स की। धन्यवाद।